जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले आपको जैसे कि पता है जुम्मा है, तो सबसे पहले अपनी नमाज़ पढ़नी है। और अभी मैं तैयार श्यार हो गया हूँ और अभी जुम्मा की नमाज़ के लिए चलते हैं। खुतबा सुनेंगे, जुम्मा पढ़ेंगे और फिर आके अपने बाकी व्लॉग का आगाज़ करेंगे, अपने परिंदों के पास जाएंगे। अभी साहब बन जाता हूँ ज़रा, क्योंकि जुम्मा पढ़ के आना है। अभी मस्जिद चलते हैं नमाज के लिए। मस्जिद अभी जुम्मा पढ़ के आके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं मस्जिद में तो वीडियो बना नहीं सकता। जुम्मा पढ़कर मैं आ गया हूँ। अब आगे चाबी मेरी यहाँ पड़ी होती है, अभी चाबी उठा ली, अभी परिंदे के पास चलते हैं। तो जी आज तो मैं भूल गया था, हमारे माली साहब ने भी आना है, पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे। जुम्मा आज उन्होंने जुम्मे के दिन आना होता है और पौधों को देखना होता है। पौधों की खुदी करने वाली भी हो रही है और जो उनके ऊपर इतनी मट्टी चढ़ी हुई है, इनको भी शोवर करने है उन्होंने। अब पता नहीं वो आज आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे काम तो है नर्सरी में, कल हमने जाना है नर्सरी और कुछ पौधे लेके आने हैं, वो मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा कि कहाँ के पौधे लेके आने थे हमने। बाकी मट्टी इनके ऊपर आ गई है और इसके कुछ पौधे पत्ते ख़राब भी हो गए हैं। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इसका एक फूल तो मुरझा गया है ये वाला, और ये आधा खुला है और आधा ख़राब हो गया। ये देखिए इसके साथ पता क्या हुआ, मगर माशाल्लाह से इनका फूल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे हो ना, मगर मेरी यहाँ पर ज़मीन में, वो कहते हैं अगर फूल चाहिए तो फिर ज़मीन में पौधे लगाओ इस तरह, क्योंकि इस साइड पर धूप का कुछ मेरा मसला है, क्योंकि वहाँ से ये दीवार है ना हमारे घर के ऊपर, तो धूप सही से नहीं पड़ती और यहाँ पे फिर पौधे चल नहीं पाते हैं फूल वाले, और खड़े खड़े सड़ के ख़त्म हो जाते हैं जिस तरह के। ये देखो ये, तो इस वजह से वो लगाते ही नहीं है कि भाई अब तुम आर्टिफिशियली लगाओ इसके ऊपर। बस ये छोटे छोटे से लाल फूल उगते हैं, ये बस इतने थे, उसने कहा बस यहाँ पर यही चलेंगे। अब यहाँ पर ये लगाए थे और ये यहाँ पर ये चल रहे हैं। बाकी ये देखें, उसने मैंने कहा चलो यार कुछ तो लगाओ, एक दो तो लगाओ, लेकिन देखिए अब कुछ चल रहे हैं, कुछ जिस तरह मैंने बताया ख़राब हो जाते हैं। और ये बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है, इसको मैं पूछूंगा उनके, ये देखो सड़ गया। इसी तरह सारे पौधों का हाल हो जाता है। महीना लगेगा, हमारे साहब कह रहे थे फिर इनके अंदर से फूल आ जाएंगे गेंदे के मोटे मोटे। फिर यहाँ पर भी सारी मैंने यहाँ पर फूल लगवाने, यहाँ पर फूल होंगे और जी यहाँ पर भी फूल होंगे सारे। सबसे अच्छी खबर तो मैं सुनाना ही भूल गया हूँ कि मेरे स्कूल ऑफ हो चुके हैं। अभी मैंने तकरीबन 10 से 15 दिन की छुट्टी की थी, उस छुट्टी में तो खैर मैं तड़प रहा था, मेरे मुंह में शदीद दर्द था, लेकिन इस छुट्टियों में मैंने भाई इतना भी इंजॉय नहीं करना, इंजॉय करना है। सर्दियों की छुट्टियां मुझे हो गई हैं तकरीबन, पता नहीं कह रहे हैं कोई 8 जनवरी तक, पता नहीं कोई कह रहा है 2 जनवरी तक, कोई 8 जनवरी तक, चलो 15-20 दिन तो है हमारे पास, डट के इंजॉय करेंगे। पढ़ाई भी करनी है, नहीं तो पढ़ाई नहीं की ना तो घर वालों ने मुझे ना ताने देने खूब, बस इसे ये काम करवा लो, पढ़ाई लाजमी करेंगे। लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बताऊँ कि भाई मेरी छुट्टी हो गई है। मनी प्लांट भी बिल्कुल खूब अच्छे से, ये देखें कितनी लंबी टहनियाँ लगी हुई है, आगे से ये चलती जा रही है। यहाँ पर मैंने पौधे लगाने हैं, 2 गमलों के लिए स्पेशल, हमने कल नर्सरी जाना है। मैं खीरा काट रहा था अपने बर्ड्स के लिए, मैं खीरा दे रहा था, डाल के यहाँ पर रखे हैं और गिरी और इसके देखें कितने टुकड़े हो गए हैं। इसकी टेंशन नहीं लेनी, अमीर बंदे बहुत पैसे हैं, माई की टेंशन नहीं है। अभी मेरे पास और भी पड़ी हैं, ऊपर सीढ़ियों में रखी हुई हैं, मैं वहाँ से एक लेके आता हूँ। अभी मैंने ये रास्ते में कुछ बलाएँ पड़ी हैं, मेरे कपड़े साफ़ हैं नहीं तो घर वालों ने मुझे मम्मा ने मारना है कि भाई अभी कपड़े ऊपर बदल के गए थे, अभी मैंने इन बलाओं से गुजरना है और अपने कपड़ों को बचाते हुए जाना है, वरना मेरी खैर नहीं है, क्योंकि सारा मेरा ही सामान है परिंदों का। तो अभी और यहाँ पर एक चूहा भी है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये ना मैं कोई चीज़ छेड़ूँ और वो मेरे ऊपर ही चढ़ जाए। भाई ले लेते हैं, चुप चुप चुप, बस ये एक ले लिए, अभी चलते हैं कपड़ों को बचाते हुए नीचे। धो लेता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से पड़ी थी, चूहे वगैरह चढ़ते हैं, जरासीम होंगे इसके अंदर, अब इसे धो लेते हैं। इन सबको मैंने खीरा डाल दिया है और ये खा भी रहे हैं सारे। अब मैं देख रहा हूँ कि बाजरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बाजरे का एंड हो गया कटोरियों में, नहीं कभी इन्होंने पता नहीं इतनी जल्दी किस तरह बुरा हाल कर दिया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं तो मेरे काम भी बढ़ गए। रूटीन के मुताबिक मैंने यहां पर आज फिर से सॉफ्ट फूड रख दिया चिड़ियों के लिए। अब आपने आ गया, पर्स लेने जा रहा हूं किताब की। मेरे साथ तो चले एक दफा, हाँ। दुकान के बाद जाना है। वो यार वो ब्रूडर मेरा सेल हो गया, वो तो कल मुल्तान रखवाना है, तो गाड़ी का टाइम पूछे जाना कितने बजे जाएगी। मेरी बाइक पर आ जाए, तू इसको खड़ी कर दे, मैं अपनी बाइक पर चलते हैं, तू 2 मिनट लगेंगे, तू यार जल्दी कर, यहीं खड़े कर, और अंदर नहीं लेके जा रहा है, चल चल फिर जल्दी चल भाई, यार जल्दी आओ जल्दी आओ। आपकी तबीयत ठीक हो गई? आपकी तबीयत ठीक हो गई? आते इतने दिन बाद भी मैं ब्रूडर का पूछ के आ गया हूँ, इंशाल्लाह ये कल चला जाएगा। वो क्या कहते हैं, सुबह के टाइम भी जाती है गाड़ी और असर के टाइम भी जाती है।
राजू क्या कर रहा है? क्यों आजू मेरे पास आओ आओ, गुस्से में लग रहा है आज ये। रजा मिठू क्या कर रहा है? आज तो मेरे डबल मजे ही हो गए हैं, स्कूल से छुट्टियां मिल गई हैं इस चीज़ की खुशी, और क्या मेरे सर जो है ट्यूशन वाले वो उन्हें फीवर हो गया, इस चीज़ की खुशी नहीं है भाई का। तो समझो सर बीमार पड़ गया तो शागिर्द खुशियाँ बना रहे, नहीं नहीं तो ये है कि छुट्टी पड़े हैं मिल गई है इस चीज़ की खुशी। अब तो छुट्टियाँ हो गई हैं, खूब मज़े करेंगे छुट्टियों में, खूबने पड़ेंगे अब तो भाई। ये छुट्टियाँ होगी यूँ फजूल बैठे ये कर रहा है वो कर रहा है, छुट्टियाँ हो गई हैं यूँ कर रहा है, छुट्टियाँ हो गई यूँ करना है। अब तो मेरे साथ यही काम होना है। और थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और लाजमी शेयर करें, और मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़ रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।